जय माता दी। मित्रों, वृषक राशि के जातकों के भाग्योदय वर्ष। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज तुझे देख जो हंसते हैं, वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। यदि जातक अपनी कुंडली द्वारा सही ग्रह नक्षत्रों में सही समय का चुनाव कर ले और उस काल में पूरी मेहनत लगन से कार्य करे तो सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। मित्रों, जीवन में सालों साल उतार चढ़ाव, लाभ हानि लगी रहती है। कुछ अवसर हमें समय अनुसार ही मिलते हैं, हमें इन अवसरों को पहचान कर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में सही समय कब आएगा, किस वर्ष हमारा भाग्य उदय होगा, क्या हमारी कुंडली में भी राजयोग है और यदि है तो उम्र के किस साल में सफलता के योग बनते हैं। मित्रों, राशि अनुसार सभी के जीवन में कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें राजयोग या भाग्य उदय होने की पूरी संभावना होती है। ये वर्ष राशि के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ऐसे तो वक्त कभी भी बदल सकता है, लेकिन कुछ खास समय ऐसा होता है जब ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में होते हैं। यदि इन वर्षों को पहचान कर जातक पूरी मेहनत और लगन से कार्य करे तो सफलता की संभावना अधिक होती है। मित्रों, आज हम कुंडली में लगन की दृष्टि से किन वर्षों में आपका भाग्य उदय होगा, कब कब आपके जीवन में सफलता के योग बनेंगे बताने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे वृषक राशि वाले जातकों की और बताएंगे कि जीवन के किन वर्षों में इनके भाग्य उदय होने की संभावना होती है और सफलता के योग बनते हैं। वृषक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और ये जल तत्व की राशि है। राशि मंडल में ये 8वें स्थान पर है। वृषक राशि के जातक हर कार्य को अनुशासन और पूरी लगन से करते हैं। ये स्वभाव में जिद्दी होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं। इनमें जल्दी से नए कार्य को सीखने की क्षमता होती है। एक बार लक्ष्य को ठान ले तो पूरा करके ही दम लेते हैं। इनमें आत्मसम्मान की कोई कमी नहीं होती। इन्हें घूमने, नई नई जगहों को देखने का शौक होता है। ये दिखावे से दूर एकांत प्रिय होते हैं। जीवन में अपने धैर्य से हर बाधा को पार कर लेते हैं। यदि ये सही वर्षों को पहचान कर मेहनत और लगन से कार्य करें तो ये सफल अवश्य होंगे। मित्रों, कुंडली अच्छी होने पर भी यदि भाग्य से जुड़े ग्रह शुभ स्थान पर ना हो, उनकी दशा महादशा ठीक ना हो तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी सही परिणाम नहीं मिलते। ग्रहों में भाग्य उदय होने के अलग अलग वर्ष हैं। जैसे सूर्य 22वें वर्ष में भाग्य उदय कर देता है तो चंद्रमा 24वें वर्ष में, मंगल 28वें वर्ष में, गुरु 16वें वर्ष में, बुध 32वें वर्ष में भाग्य उदय करता है, शुक्र 25वें वर्ष में और विवाह उपरांत शनि 36वें वर्ष में भाग्य उदय करता है, या फिर नव भाव में राहु केतु के प्रभाव से 42वें और 44वें वर्ष में भी भाग्य उदय होता है। अब बात करते हैं वृषक राशि के जातकों पर किन वर्षों में किस्मत मेहरबान रहती है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। जो वर्ष कुंडली में लगन की दृष्टि से बताने जा रहा हूँ, यदि जातक इन वर्षों में पूरी मेहनत और लगन से कार्य करे तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। वृषक राशि वाले जातकों की किस्मत 22वें वर्ष, 24वें वर्ष, 25वें वर्ष, 28वें वर्ष और 32वें वर्ष में खुलती है। यदि इन वर्षों में जातक पूरी मेहनत लगन से कार्य करे तो भाग्य उदय होने की पूरी संभावना है। इन वर्षों में आपकी किस्मत बलवान होती है, भाग्य आपका साथ देता है, नए कार्यों को करने के लिए भी समय अनुकूल है। इन वर्षों को एक बार फिर से बता रहा हूँ, कृपया लिख लें 22, 24, 25, 28 और 32वें वर्ष। इन वर्षों में यदि जातक थोड़ी मेहनत करे तब भी उसको सफलता जरूर मिलेगी। इन वर्षों में अपनी ग्रह स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। अपनी राशि के स्वामी मंगल को प्रसन्न करने के लिए शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल कपड़ा बिछाकर उनका ध्यान करें, ओम ऐम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने पास मंगलवार के दिन लाल रुमाल रखें। इन उपायों से ग्रह स्थिति मजबूत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मित्रों, ऐसी जरूरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी। मित्रों,